बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है लीक्स एंड बीन सूप। सर्दियों के मौसम में क्योंकि ज़ुकाम और नज़ला ज़्यादा होता है और गले भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, तो ये जो सूप है बिल्कुल एनर्जी से पैक है। ताज़ी हमने सब्ज़ियाँ इसमें इस्तेमाल की हैं और साथ ही हम इसमें बीन्स इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर दो लीक्स ली हैं, पोटैटोज़ लिए हैं, कैरेट्स, और साथ ही हमने यहाँ पर लिया अनियन, गार्लिक लिया है, टोमेटो पेस्ट है, और इसके साथ ही मैंने लिया है एक मिक्स बीन्स का कैन, टोमेटो प्यूरी और सोया सॉस। और मसालों में जो हम इसमें डालेंगे वो है सॉल्ट, थाइम, वाइट पेपर है, ब्लैक पेपर है, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, वेजिटेबल स्टॉक क्यूब है और बटर। अगर आप वेजिटेरियन बना रहे हैं तो बटर को स्किप करके ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें बटर इस्तेमाल करूँगी। आजकल ज़ुकाम और बुखार से टेस्ट बड्स आपके काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, तो ये जो सूप है इसका टेस्ट ज़बरदस्त है। इसको आप खा के देखें, इंशाल्लाह आपको बड़ा पसंद आएगा। तो यहाँ पे मैंने बटर को मेल्ट किया है लार्ज पैन में। इसके अंदर मैं अनियन ऐड करूँगी, थोड़ा सा इनको हम सौते करेंगे, और इसमें साथ ही गार्लिक ऐड कर दिया है। अब इसमें मैंने कैरेट्स डालूँगी चॉप की हुई, और पोटैटोस को, क्योंकि ये चीज़ें ज़रा टाइम लेती हैं गलने में, तो इनको हम पहले ऐड करके थोड़ा सा सौते करेंगे। हीट जो है वो मैंने मीडियम रखी है, और अब इसमें मैंने लीक्स को ऐड कर दिया है। तकरीबन 2 मिनट तक इसको भी पकाएंगे। अच्छा, इनको स्लोली स्लोली ऐड करने का ये फ़ायदा है कि तमाम फ्लेवर जो हैं वो अच्छे तरीके से आपस में मिल रहे हैं और ये पानी नहीं छोड़ेंगी इस तरीके से वह सब्ज़ियाँ जो हैं। इसमें मैंने टोमेटो पेस्ट ऐड कर दिया, इसको भी मिला लेंगे। तकरीबन 2 मिनट तक इसको पकाने के बाद मैंने इसमें स्पाइसेस ऐड किए हैं। अच्छा, थोड़ी सी इसमें मैंने हल्दी भी डाली है, क्योंकि हल्दी जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, जिस्म में सोजिश कम करती है, तो वो भी ऐड करेंगे। इसको अच्छे तरीके से मिला लेंगे। अब इसमें मैं उबला हुआ लोबिया जो है वो डाल दूँगी, और 2 मिनट तक हम इसको पकाएँगे। अब यहाँ पे जो ये चॉप टोमेटोस है ये भी ऐड करूँगी मैं, इनको भी हम अच्छे तरीके से मिला लेंगे। इन सब फ्लेवर्स को जो उनसे है थोड़ा सा हमने भून लेना है, ताकि सारी जो सब्ज़ियाँ हैं उनके अंदर मसाला अच्छी तरीके से लग जाए। अब इसके अंदर मैंने वेजिटेबल स्टॉक क्यूब डाली है, और साथ ही इसमें मैं बॉइलिंग वाटर ऐड कर दूँगी, और पानी हमने इतना डालना है कि तमाम सब्ज़ियाँ आसानी से गल जाएँ। इसको अब मैं ढककर पकाऊंगी तकरीबन 30 मिनट के लिए, और आंच जो है वो मैंने मीडियम रखी है। तकरीबन 30 मिनट लगे हैं और सब्ज़ियां हमारी अच्छी तरीके से गल गई हैं। अब इस स्टेज में इसमें सोया सॉस ऐड करूंगी। सोया सॉस मिलाने के बाद मैंने हीट को ऑफ कर दिया है, और थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है, तो मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। और हीट को वापस ऑन करेंगे, और आपको जिस तरीके की टेक्सचर पसंद है वैसे ही इसको रिड्यूस कर सकते हैं। थोड़ी सी मैंने इसमें क्रीम चीज़ ऐड की है, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो आप ये देखें, रिड्यूस हो गया है, और इसको मैं अब सर्विंग के लिए निकालूंगी। ग़िज़ाइत से भरा हुआ ये जो सूप है ये आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगा। आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जज़ाकअल्लाह खैर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।